मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ये किताब लिखी। अपने यात्रा शुरू की उन्होंने अपने पैदा होने से पहले की कहानी लिखी है, तो अभी तो बहुत कहानियाँ इनके अंदर हैं, वो बाहर आएंगी। पर इस किताब के लिए मैं पढ़ूंगा, मैं उनकी फॉरवर्ड की पढ़ी पार्टीशन के टाइम के दौरान कहानी है, और पढ़ूंगा इसको मैं। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह से लिखते रहिए। और मैं काफ़ी समय से हम एक दूसरे को जानते हैं, हमको नेशनल पॉइंट सी फिल्म में हमने इकट्ठे काम किया था, उन्होंने तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, एक्टर हैं, और उन्होंने किताब भी लिखी है। और सब लोग पढ़िए और शेयर दिस एक स्टोरी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और इसे इंजॉय करें। थैंक यू सो मच नवीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। स्कूल में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। मैं जब हास्यरस होता है तो मैं आपके बारे में और कि एक ऐसा भी है, एक अपने आप में एक मुकम्मल इंडस्ट्री। एक ज़्यादा समय नहीं हुआ जब इन्होंने, मैंने और सलमान भाई ने पूरी रात फिल्म सिटी में बाहर काटी थी, और वी डिस्कस अ लॉट। भाई मैं देखिए, मैं किताब तो पढ़ा नहीं, मैं इस आदमी से मिला हूँ, नवीन जी से। अच्छा, समझदार, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, और इनका हुक्म था, मैं आ गया। और मुझे हमारी एक अगली फिल्म में ये लिख भी रहे हैं, और देखते हैं कैसा अभी है। बट इज़ वेरी गुड मैन, वेरी ह्यूमन बींग, अच्छा इंसान है। इनका हुक्म था और फिर आगे आप सबसे मुलाकात हो गई, और अच्छा ही लिखा होगा जो पढ़ते पे देखा हमने। और इन्होंने बताया कि हमारे हैपन हमारे परिवार के साथ ये काम हुआ, तो जो काम आत्मा से होता है वो उसमें खूबसूरती अलग ही होती है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब मैं सर मैं आपको बताया, मैंने अभी बोला तो मैं कंट्राडिक्टरी कैसे बोलूँ, मैं पढ़ा ही नहीं किताब का, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ मैं इस आदमी के लिए आ गया बस, ये मेरे भाई को। अच्छा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, कभी भी कोई अच्छी चीज़ के लिए तो हम लोग दुकान खोल के बैठे हैं, और अच्छी चीज़ मिले तो अच्छी बात है, और कोई चीज़ अच्छी होगी तो उस पर फाउंडेशन अच्छा होगा तो काम भी अच्छा होगा। जी जी सर, मैं मेरे पास शब्द नहीं है सर का धन्यवाद करने के लिए, और मैं सर के साथ एक फिल्म लिख रहा हूँ, और मेरी ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि सर ने मुझे एक बार बुलावे पर सर मेरे लिए यहाँ पर आए, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और बस मैं तो इनकी बचपन से फिल्में देख देख के बड़ा हुआ, और एक से एक बड़ी अच्छी फिल्म इन्होंने लिखी है। बाकी मुझे खुशी होगी हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ भी सर और भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। इससे ज़्यादा नवीन जी, मेरा सवाल आपसे है कि इतिहास में देखा जाए तो आपने आपने डायरेक्शन किया है, एक्टिंग करा है, काफ़ी कुछ करा है, तो आप आज फाइनली एक राइटर के तौर पे हैं, तो इस जर्नी में आपको कैसा लग रहा है बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, राइटिंग मैं पहले से कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारे शोज लिखे हैं, शायद वो कम लोगों को पता है, मैंने बुगी बुगी शो लिखा है, बुगी बुगी के काफ़ी सारे एपिसोड्स मेरे लिखे हुए हैं, और उसके अलावा बच के रहना, ज़रा संभलना, अब आएगा मज़ा, बहुत सारे ETC चैनल के साथ मैं रेगुलर राइटर कई साल मैंने काम किया, उनके लिए कॉमेडी शोज लिखे जिसमें मैं राइटिंग भी करता था, इधर मैं सीन लिख रहा हूँ, उधर जाकर के फिर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ सुरेश मेनन जी के साथ में। तो ये जर्नी काफ़ी पुरानी है, और लेकिन ये जो किताब है, ये किताब बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि जो मेरे बुज़ुर्गों के साथ हुआ, जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, वो सब मैंने इसमें लिखने की कोशिश करी है। मेरे परिवार के अलावा जो बाकी लोगों से मैंने पार्टीशन के टाइम की बातें सुनी हैं, विभाजन में उन लोगों ने क्या क्या दर्द सहा, और अच्छी बात यह है कि इसमें भाईचारे की बहुत सारी बातें हैं जो एक बहुत बड़ा संदेश देती हैं, बहुत भाईचारे की बातें हैं, जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसके बारे में। सबसे पहले तो आज HRI धन्य हो गया कि भाई साहब आए, मतलब जैसे ही कहा था नवीन जी ने कि भाई साहब आएंगे, भाई साहब चीफ गेस्ट होंगे, सो सबसे बड़ी बात कि एक अपने आप में एक मुकम्मल एक इंडस्ट्री आज हमारे यहाँ आए, और कहा कि जब आपका मन करे बुला लेना, सो सारे बच्चे मेरे खुश हुए, सो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। और दूसरी बात नवीन जी की किताब को लेकर है कि एक होता है कि एक राइटर फिक्शन लिखता है, एक अपनी कल्पना लिखता है, कल्पना के घोड़े दौड़ाता है, और एक शख्स वो होता है कि जिनके पेरेंट्स ने, जिनके फोर फादर ने, जिनके परिवार ने उसमें अपना खून बहाया,
और जब आपके ऊपर वो लिखने की बारी आती है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और ये किताब मैंने पढ़ी और पढ़ी, मैं सो नहीं पाया, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा है कि बहुत कुछ आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि ये महाभारत दो हिस्सों में बटा क्यों, ऐसा हुआ क्यों, एक का नाम हिंदुस्तान और एक का नाम पाकिस्तान रखा क्यों गया। और एक एक जब कहानी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे भी पूर्वज इसमें इन्वॉल्व थे, और आप जब 64 पेजेस का पढ़ेंगे, और किरट सिंह के बारे में जब वो 1.25 साल का बच्चा, जब वो अपने पेरेंट्स के सामने, जो 15 साल के बाद हुआ था, ऐसी मैं एक बात नहीं, पूरी बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी इंटरेस्टिंग है। और ज़रूर सबको ये बुक पढ़नी चाहिए, और मैं दावा करता हूँ कि जो प्रोडक्शन हाउस इस पर, चाहे वो वेब सीरीज़ बनाए चाहे फिल्म बनाए, ये पूरी दुनिया ज़रूर उसको देखेगी अगर वो सही से बनेगी तो। ये मेरा